the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again hi guys this is dr Paramjeet. stop wearing masks for coronavirus yes. masks pehna masks ban kar bankartu please jia yes, coronavirus mask say nahi किसी भी प्रकार के एन या किसी भी मास्क से नहीं रोका जा सकता अगर आपको होना है तो होगा बिल्कुल वैसी जैसे जा, आपको सर्दी होगी चाहे कोई भी वैक्सीन लगा लो फ्लू वैक्सीन लगा लोगे तो भी सर्दी होगी बिकॉज दो से ज्यादा वायरसेस हैं दो से ज्यादा वायरसेस हैं सर्दी के फ्लू के वैसे कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने अगर आपकी आदत है नाक को हाथ लगाना मुंह को हाथ लगाना बिना हाथ धोए आंखों को हाथ लगाना तो आपको होगा अगर वो आपके एरिया में आ गया तो मास्क नहीं बचा पाएगा आपको तो मास्क पे पैसे मत वेस्ट करो लोग कहते हैं कोरोना एक बिजनेस है वो बिजनेस बना रखा है जी हां ये सच है किसने बनाया किसने बनाया है वो वुहान में चाइना में बैठा एक अपना जॉब कर रहे डॉक्टर ने किसने बनाया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या इंडिया में बैठे किसी डॉक्टर ने किसने बनाया वो बिजनेस वो फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना बिजनेस बना रही है जो बीमारी है उस पर और आपको भेज कौन रहा है क्या डॉक्टर ने बोला मास्क पहनो नहीं किसी डॉक्टर ने नहीं बोला मास्क पहनो आपको बोल रहे हैं न्यूज चैनल आपको बीमारी को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कौन बोल रहा है क्या किसी पूरी दुनिया में किसी डॉक्टर ने बोला है कि इससे आप मर जाओगे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है एपिडेमिक है पैंडेमिक है पूरी दुनिया में फैल रहा है वायरस माना बिल्कुल जैसे फ्लू है पूरी दुनिया में है फ्लू ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहां फ्लू नहीं है है हर जगह वैसे कोरोना वायरस है फ्लू का इंफ्लुएंजा का एक वेरिएंट है वो भी हर जगह पहुंचेगा कोई नहीं रोक सकता उसको चाइना में कोशिश की जा रही है क्यों कोशिश की जा रही है किसी को सात दिन क्वारंटाइन में रख लो किसी को चौदह दिन क्वारंटाइन में रख लो कोई ज्यादा तो हॉस्पिटल में एडमिट करके रख लो पूरा सिस्टम बना रखा उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है कोशिश क्या कर रहे हैं कि और फैले ना क्यों क्योंकि नया वायरस है पता नहीं इसका डेथ रेट कितना बढ़ जाए इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं वहां जो हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं यहां जो हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं आपको न्यूज कौन दे रहा है न्यूज चैनल वाले आपको डरा कौन रहा है मीडिया और कौन डरा रहा है यूट्यूबर टिकटॉकर बथेरे जो वीडियोस बनाने वाले जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है जिनको कोरोना वायरस का पता भी नहीं है उनको किसी वायरस का पता नहीं है मगर वो कोई नुस्खे बना रहा है कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई वहां से नॉलेज निकाल के दे रहा है भाई बताओ देखो क्या हो रहा है ये देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो हो रहा रहा है है देखो देखो उन्होंने एक दिन में हॉस्पिटल बना लिया देखो उन्होंने क्या कर दिया देखो चाइना ने इतने लोगों को मार के गाड़ दिया यू आर रियली बिलीविंग ऑन ऑल देखो वहां दुनिया में दूसरी लैब से किसी ने लैब में बनाया है यह वॉरफेयर के लिए यह बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए है एंड यू बिलीव ऑन ऑल दी थिंग समथिंग और दी अदर या तो कुछ है ही नहीं और कोई कह रहा है कुछ है ही नहीं ये तो एवं है एम ही आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है एवं ही दुनिया में प्रेशर बनाया जा रहा है पैसे कमाने के लिए कौन कर रहा है डॉक्टरों पर भरोसा मत करो जी ये आपके बगल में रहने वाला जो डॉक्टर है उसकी और वहां पे कोरोना वायरस बनाने वाले लोगों की कॉन्स्परसी है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर दुनिया के डॉक्टर को करोड़ रुपए देती है ताकि वो ये ऐसी चीजें दुनिया में फैलाए आई I मीन mean, लोग ऐसे बना रहे हैं लोगों को दुनिया को फार्मास्यूटिकल ऑब्वियसली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना फायदा देखेगी ऑब्वियसली एक कोई आपकी भी कंपनी होगी कभी ऐसा कुछ आएगा कि हां भाई कोरोना आया है नए मास्क की जरूरत है लोगों मास्क ले रहे हैं तो पैसे बढ़ा दो रेट बढ़ा दो लोग डर रहे हैं तो और डराओ ये सोचेगी कंपनी वो उसका काम है वो वो तो दुनिया में ऐसा हर दुनिया दूसरी दूसरी करती आप बेवकूफ हो क्या मेरे हिसाब से न्यूज चैनल देखने वाला हर इंसान बेवकूफ है चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो देख भी रहे हो तो आग बन करके भरोसा करने वाला तो पक्का बेवकूफ है इसलिए मैं नहीं देखता मुझे चार दिन बाद या दस दिन बाद कोई और बताता रहे ऐसे हो रहा है अच्छा हम अपनी दुनिया में मस्त है भाई देखो चलो फिर भी देख लो तुम न्यूज देख लो बात सुन लो या तो उल्टे सीधे या तो उनके आधी न्यूज आधी न्यूज खरीदी गई होती है पॉलिटिकली आधी न्यूज़ आपको इन्फ्लुएंस की होती है वाइट वॉश ब्रेन वॉश करने के लिए होती है हज़ारों लोग उसमें बार बार वीडियो बना चुके हैं नाइन पी एम प्राइम प्राइम टाइम वीडियोस आपकी ब्रेन वॉश कर रही है ये कर रही हैं वो कर रही हैं इसके खिलाफ उसके खिलाफ भड़का रही है या तो कभी सब्जी भाजी गलत है कभी चिकन ही गलत है सब्जी भाजी में गलत वो डाला हुआ है उसमें कलर लगाया हुआ है ये भी मत खाओ फ्रूट्स भी मत खाओ फ्रूट्स में इंजेक्शन डाले हुए हैं फ्रूट्स को बड़ा करने के लिए अनऑर्गेनिक चीजें हैं तो ऑर्गेनिक चीजें खाओ ऑर्गेनिक चीजें इतनी महंगी बेचने लग जाएंगे ऑर्गेनिक वाले लोग अपने ऐड डालते जाएंगे और दूसरे एक दो तीन चार डॉक्टरों को पैसे देंगे भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलो दूसरी चीज़ें खराब हैं चिकन भी खराब है उनको एंटीबायोटिक लगते हैं दूध भी खराब है गाय गाय भैंसों को एंटीबायोटिक लगते हैं तो चिकन नहीं दूध नहीं अनाज नकली है टोटली चावल ही नकली आ रहे हैं पत्ता गोभी भी नकली आ रही है।, है हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना ये प्लास्टिक खा रहे हैं या कि असली चावल है हम तो मुंह में डाल के खाए जाएंगे दूध नकली है भाई होगा दुनिया में मिलावट होती है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को सब कुछ नकली मिलेगा जैसा दिखाया जाता है आपका खुद का दिमाग है कि नहीं कितने लोग आते हैं हमारे पास डॉक्टर साहब यह तो खा ही नहीं सकते डॉक्टर साहब ये तो नकली जाता है डॉक्टर साहब वो खाना सेफ है क्या डॉक्टर साहब यह है क्या किसी पूरी दुनिया में किसी डॉक्टर ने बोला कि चिकन एग्स या ऐसी नॉन वेज खाओगे तो कोरोना वायरस होगा नहीं किसी ने नहीं बोला बोला भी होगा तो जो क्वैक्स नकली डॉक्टर बैठे हैं ना इधर उधर वीडियोज बनाते उन्होंने बोला जो बैठे हैं दूसरे दुनिया के डॉक्टर कायरोप्रैक्टर्स मेडिकल बीमारियों को ठीक करने के लिए मेडिकल जानकारी दे रहे हैं अपने मर्जी से हमने रिसर्च किया भाई कई नॉर्मल लोग फिटनेस एक्सपर्ट्स बने हैं कि हमने रिसर्च कर रहे हैं हम आप पढ़ के देख लो हम बुक्स दे देते हैं आपको या कोई भी मेडिकल की बुक पढ़ के देख लो कितना समझ आएगा आपको समझ में कितना आएगा मेडिकल लैंग्वेज फिर आगे बात अलग कि अच्छा क्या बुरा क्या आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये लैंग्वेज क्या है नॉर्मल आदमी को नहीं समझ आता मेडिकल लैंग्वेज रिसर्च लैंग्वेज लोग कहते हैं रिसर्च पढ़ के देख लो रिसर्च पढ़ के देखो जाके रिसर्च में क्या लिखा है आधे लोगों को समझ में नहीं आता ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो ऐसे अपने आप को नॉर्मल बोलते हैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट कोई नॉर्मल डॉक्टर जो फलाना फलाना चीजों पे साइंस की रिसर्च की बातें करते हैं जबकि उनका लॉजिक ही टोटली बुलशिट है अंधाधुंध पगला लॉजिक देंगे कभी उनकी वीडियो देख लेते हैं, हमें हंसी आती है लेकिन दुख होता है कि हे भगवान लोग किस पे भरोसा कर रहे हैं यार क्या हो रहा है ब्लड ग्लूकोस चेक करने वाली मशीन पे फ्रुक्टोज खिलाओ फ्रूट्स खिलाओ फ्रुक्टोस खिलाओ, खिलाओ ग्लूकोस चेक करो ग्लूकोस कम हो रहा है नॉर्मल सलाइन ग्लूकोस का लगाना है नॉर्मल सलाइन लगाओगे वो नॉर्मल सलाइन आपका जहर है लिटरली आई वॉज लाइक भाई ठीक है नॉट एवरी सिंगल वर्ड जो हर दुनिया में हर आदमी बोलता है हर वर्ड गलत नहीं होगा लेकिन जब ऐसी इलॉजिकल बात कोई बोलता है ना तो समझ में आ जाता है कि उसका मेडिकल नॉलेज क्या है उसको क्या समझ में आता है क्या नहीं भाई दुनिया में कुछ चीजें तो लॉजिकल है ऑब्वियसली अच्छे से फ्रूट्स खाओ अच्छे से वेज हर डॉक्टर आपको बोलता है दबा के फ्रूट्स खाओ वेजिटेबल खाओ पानी ज्यादा पियो ठीक हो जाओगे बोलता तो है इसका मतलब ये थोड़ी है कि यही करो और डॉक्टर के पास जाओ ही मत हर बीमारी खराब है डॉक्टर भी मारे इंजेक्शन भी खराब है हॉस्पिटल में जाओगे तो मर जाओगे सलाइन से तुम मर जाओगे नॉर्मल नॉर्मल सलाइन में जितना नमक होता है वो आइसोटोनिक फ्लूड है मतलब जितना आपके खून में नमक है उतना ही नमक वाला आपके अंदर फ्लूड डाल सकते कम नमक वाला डालेंगे ना तो जहां नमक कम हो जाता है जब खून में नमक कम हो जाएगा ना तो पानी छोड़ देगा खून पानी छूट जाएगा खून से अगल बगल में प, प, आपके दिमाग में आपके पैरों में हाथों पैरों में पानी पूरी बॉडी सूझ जाएगी और दिमाग फटके मर जाएगा हाइपोटो हाइपोनिया हो गया तो जब आपको बेसिक मेडिकल साइंस नहीं पता है तो आप कैसे चीजें बोल सकते हो यार दुनिया को गलत कैसे बोल सकते हो आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको न्यूज चैनल पर भरोसा करना है एक टिकटॉक वीडियो पर बाकी यह सब छोड़ दो आप जब बीमार हो तब क्या करोगे क्या हॉस्पिटल नहीं जाओगे क्या डॉक्टर के पास नहीं जाओगे क्या इनके पास जाओगे टिकटॉकर के पास मैं लिखित में देता हूं ठीक कर देगा आपको कोई गलत बात नहीं है वीडियोस बनाना लेकिन सोचा करो कि आपकी वीडियोस का दूसरों पे इफेक्ट क्या आ रहा है आप सही बोलते हो तो सही बोलो दूसरों को गलत बोलना क्यों और गलत बोलते हो तो पूरी दुनिया को गलत हर डॉक्टर गलत हर हॉस्पिटल गलत हर न्यूज चैनल हर न्यूज चैनल गलत नहीं होता लेकिन जो न्यूज दिखा रहे हैं वो गलत होता है जो ट्रेंड हो रहा है वो गलत होता है हमने भी कह दिया न्यूज चैनल गलत है ऐसा नहीं हर नहीं गलत होता लेकिन बहुत सारे गलत होते हैं तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा मैं नहीं बोल रहा किस पे भरोसा करूं मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि यहां पर प्रॉब्लम कौन है प्रॉब्लम इज नॉट कोरोना वायरस प्रॉब्लम इज वॉट यू आर टोल्ड अबाउट कोरोना वायरस इसलिए मास्क मत पहनो मास्क की जरूरत नहीं मास्क की जरूरत उसको है जिसको फ्लू है जिसको फ्लू है जिसको खांसी आ रही जिसको छीक आ रही उसने पहनना है मास्क ताकि वो दूसरों को ना दे दे आपके मास्क पहनने से कुछ नहीं होने वाला आपको आदत होनी चाहिए हाथ धोने की आपको आदत होनी चाहिए कि छीक आ रही है मास्क नहीं है तो बगल में छीको ये अच्छी आदतें हैं वो चाहिए मास्क पे मास्क खरीद मास्क की जरूरत हॉस्पिटल में है जो हमारे पास नहीं है हमें हॉस्पिटलों में कपड़े का मास्क सिलवाना पड़ रहा है क्योंकि मास्क नहीं मिल रहे हैंड सेनेटाइजर नहीं मिल रहे हैंड सेनेटाइजर फिर भी चलो ठीक है हाथ तो धोने ही चाहिए पर मास्क की जरूरत नहीं है मास्क खरीदना बंद कर दो और न्यूज देखना बंद कर दो प्लीज देखना ही है तो सोचा करो कौन सा सच है कौन सा झूठ है प्लीज हाथ जोड़ के बिनती है ऐसे सारे लोगों से बिनती है अपने फालतू के प्रोडक्ट्स अपने नुस्खे बेचना बंद कर दो तुम बड़े हो ना हो कईयों का नुकसान हो जाएगा कई लोग फिर ऐसे सिचुएशंस में अच्छे डॉक्टरों पे बिलीव नहीं करते कई लोग फिर अपने बाद में कोसते रहते हम क्या करें हम ना करें जो लोग इस कोरोना वायरस की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं अपना चैनल प्रमोट करने में या अपना प्रोडक्ट बेचने में अपने आप को बेचने में या अपने छोड़ छाड़ के दूसरे वीडियो का जो ट्रेंड था छोड़ के अब कोरोना कोरोना बना रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप उस पर भरोसा करते हैं न्यूज चैनल्स पर अंध, अंधा भरोसा करते हैं तो आपको शर्म या आप बेवकूफ हो अगर आप बेवकूफ हो तो भाई साहब प्लीज ये वीडियो बंद कर दो और मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो मुझे नहीं दिखाना है आपको कोई भी नॉलेज प्लीज और अगर बेवकूफ नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो बस बाकी आपकी मर्जी